वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। हम आ चुके हैं अपने एक नए व्लॉग के साथ और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह गांव देहातों में लोग ईंटें बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। You serious? हम सब लोग घर से घूमने निकले थे कि थोड़ा वक्त बाहर स्पेंड करके आते हैं। जब हम यहाँ आए तो हमें एक पल ऐसा लगा कि हम 80s में आ गए हैं। ठीक है जी, मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। यहाँ पे गाड़ियों से ज्यादा गधा गाड़ियाँ मौजूद हैं। चुप! इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार बना रहा है, मगर यहाँ गांव में लोग आज भी बगैर फ्यूल के गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मजे की बात, इन्हें चार्ज भी नहीं करना पड़ता। पंजाब में बहुत ज्यादा हरियाली है, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं और एक दूसरे के साथ शेयरिंग स्केयरिंग करते हैं। अच्छा। और यहाँ पे लोगों को मवेशी रखना पसंद है, जिसकी वजह से दूध की कमी नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूबवेल्स और हैंडपंप्स हैं, जिसकी वजह से पानी की भी कमी यहाँ नहीं होती। गैस के लिए ये लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, तो गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होती। रही सही बात बिजली की, तो यहाँ पर इतनी लोड शेडिंग भी नहीं होती। इसके बाद कितना टाइम होगा हमारे पास? तो आइए आपको दिखाते हैं कि ईंटें कैसे बनती हैं। ईंटों को इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं और आपने अमूमन गांव में देखा होगा कि ईंटें लाल कलर की होती हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जो तमाम ईंटें आप देख रहे हैं, ये सब सूखने के लिए रखी गई हैं। आप देखें कि कितनी महारत और मेहनत से मजदूर ने इस तमाम ईंटों को बनाकर रखा है और कितनी तरतीब से सीक्वेंस वाइज रखा है। इस जगह पर ये ईंटें मैनुअल बनाई जाती हैं, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईंटों को बनाने के लिए बाकायदा मशीन्स लगाई गई हैं। यहाँ पर बेशुमार कच्ची ईंटें रखी गई हैं और अगर आप इन ईंटों की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर मज़ीद और ईंटें रखी जा सकती हैं। एक ईंट की कीमत तकरीबन 30 से 40 रुपए हो सकती है और अगर मिकाइल ने कुछ ईंटें तोड़ी या इनको नुकसान पहुंचाया तो हमें पैसे देने पड़ सकते हैं। आई थिंक ये ईंटें काफी पक चुकी हैं, तो पैसे देने का आइडिया कैंसिल। आइए तो हम आपको मिलवाते हैं ईंटें बनाने वाले कारीगर से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस अंकल का नाम है बुल्ला, ये रखते हैं अपने पास खुल्ला। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। आई एम जस्ट किडिंग। हुक्का, लकड़ी का पीस और उनके हाथ में जो चीज है, ये तीनों अंकल के औजार हैं। कराची में ऐसे लोगों को आर्टिस्ट कहा जाता है, मगर ये पहलवानों के शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर कारीगर होते हैं, आर्टिस्ट नहीं। इन अंकल को लग रहा है कि हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए हमसे बात ही नहीं कर रहे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। मगर ये हमें अपनी क्राफ्ट दिखाने के लिए तैयार हैं। अब हमारे सामने पहली ईंट बनने जा रही है। ओके, 1 2 3, हियर वी गो। ये मुश्किल था? बिल्कुल नहीं, ये काफी आसान था, मगर ये काफी मेहनत का काम है। आप सोचें, जिस तरह की गर्मी पड़ती है, ये उसमें कैसे सरवाइव करते होंगे। मगर नेचर इंसान को इवॉल्व करना सिखाती है और ये गर्मी के आदि हो गए हैं और ये बैठे बैठे हजारों ईंटें बना देते हैं। सबसे पहले ईंट बनाने के लिए आप मिट्टी को अच्छी तरीके से पानी में मिक्स करते हैं, फिर आप उनको गूंद कर जैसे आटा गूंदते हैं या डो बनाते हैं रख लेते हैं। फिर इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है ताकि मिट्टी सख्त हो जाए। उसके बाद सांचे में डालकर इस तरह ईंटें बना ली जाती हैं। ये ईंट बनाने का फर्स्ट प्रोसेस है। हम आपको दूसरा और तीसरा प्रोसेस भी दिखाएंगे। Oh my God! जब ईंटें थोड़ी पक जाएं या सख्त हो जाएं, तो इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है ताकि जगह बचाई जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इनको थोड़ा थोड़ा क्यों रखा जाता है, ज्यादा भी तो रख सकते हैं। लेकिन नहीं, ज्यादा रखने से ईंटें टूट सकती हैं। उसके बाद इन्हें अच्छे से पका लिया जाता है इन हीटिंग चैम्बर्स के अंदर, जिसकी वजह से इनका ट्रेडिशनल रंग लाल आ जाता है। तो जब आप घरों में ईंट देखते हैं, वो इसी तरह लाल रंग की नजर आती हैं। जब हमने ये तमाम ईंटें बनने का प्रोसेस देख लिया तो हम आगे घूमने को चले गए। तो अब हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।